मतलब जब से बॉक्सिंग स्टार्ट करी ना, इसके अलावा कभी ना तो स्टडीज के बारे में ज्यादा सोचा ना किसी और गेम के बारे में। ये था कि हाँ मतलब पता नहीं, एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है मैम कि इंडिया को तो गोल्ड ओलंपिक में दिलाना ही है। और आज तक 3 मेडल आए हैं बॉक्सिंग में, पर तीनों ब्रोंज ही हैं। मुझे उनका कलर चेंज करना है मैम। Everyone, I am Niharika Lahoti and I welcome you all to the final episode of Sports Tiger Presents Mission Gold in association with Spark. Today I have with me an international boxer and a world youth champion, Arundhati Chaudhary. Welcome, Arundhati. Hello ma'am, thank you for welcoming in this. And kaisi hain aap abhi, kahan par hain? मैं अभी बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, मतलब इंजरीज के साथ ही हूँ और घर पर हूँ अभी तो मैम, कैंप वगैरह सब ऑफ है अभी। अभी बिकॉज़ ऑफ कोविड ऑफ है या फिर इस टाइम पे बिकॉज़ ओलंपिक्स जस्ट ओवर हुआ है तो इस टाइम पे कैंप्स नहीं है? हाँ मैम, अभी मतलब अभी लास्ट टाइम इटली में थे, फिर इटली के बाद टीम्स तो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए चली गई और हम लोग घर पे आ गए, तो इसलिए अभी ऑफ है। फिर अब देखो लास्ट, शायद ऐसा बोल रहे कि जो 1 सितंबर है जब से कैंप स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। Okay, Arundhati, so you are from Rajasthan, right? Yes, ma'am. And usually देखते हैं कि boxers northeast से, पंजाब हरियाणा से होते हैं, तुम राजस्थान से हो, so how did boxing came into your life? कब decide करा ये करने का? हम सबसे पहले तो यही मेंटेलिटी चेंज करनी है कि हरियाणा राजस्थान, मतलब ये जो डिफरेंस है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि मैं इसे चेंज करके दिखाना चाहती हूँ। और जब मुझे पता लगा था कि यस आई वाज फर्स्ट फ्रॉम राजस्थान टू गेट गोल्ड इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो फिर मुझे था कि हाँ मैं शायद अब प्रूफ भी कर पाऊँ इस बात को। तो बचपन से यही सपना था तुम्हारा बॉक्सर बनने का? नहीं मैम, एक्चुअली ना मैंने उस, मतलब मैं 8th क्लास में थी जब मैंने फर्स्ट टाइम हरियाणा का नाम सुना था, और मैं 5th क्लास से बास्केटबॉल खेल रही हूँ अपना, तो 9th तक तो पापा ने खेलने दिया, पापा कुछ बोले नहीं। फिर जब मेरा स्टेट क्लियर हुआ तो नेशनल्स के लिए टीम जानी थी, तो पापा ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हें अलाउ तो नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें करना है तुम पढ़ाई करो, बिकॉज मैं उस टाइम पे मैं मैथ्स में थोड़ी बहुत ठीक थी, तो पापा का ड्रीम था कि मुझे IIT इंजीनियरिंग और ये सब करवाए। तो मैं बिल्कुल ऐसे, मैं जिद्दी बहुत थी मैम, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई। तो वो बोले कि ठीक है जब तुम इतनी जिद कर रही हो, पर तुम्हें टीम गेम तो मैं नहीं खेलने दूंगा, तो तुम सोलो गेम जरूर चूज कर सकती हो। फिर उन्होंने मुझे बॉक्सिंग, रेसलिंग और एक मैम वेट लिफ्टिंग, इन तीनों के बारे में बताया। और शुरू से मैम मेरा नेचर ऐसा है कि लड़ाई करनी है, कहीं मारपीट हो रही ना, सबसे पहले मैं पहुंच जाऊँ, ऐसा है। तो फिर वो गेम का नाम सुनते मैं तो ऐसे, मैं कहा हाँ चलो ये मुझे करना है अपना। तो फिर मैंने इन एज ऑफ 16 बॉक्सिंग स्टार्ट कर दिया था। तो आपने 16 में आपने बॉक्सिंग स्टार्ट करी एंड आई थिंक 17 में आप इंटरनेशनल बॉक्सर बन गई थी? हाँ जी मैम, और 18th ईयर की थी, मतलब हाफ ऑफ 17 एशियाज बेस्ट बॉक्सर बनी और अभी हाफ ऑफ 18 वर्ल्ड चैंपियन। वाओ, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली, जब 16 की उम्र में आपने चुना बॉक्सिंग करना, तब कोई आइडल बना आपका कि ओके इनकी तरह बनना है, या फिर किसी के बारे में बहुत सुना हो तो उनके उनके करियर पाथ फॉलो करना, उनका एक रूटीन फॉलो करना, ऐसा कभी हुआ? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने रोल मॉडल कभी बनाया नहीं, और इंस्पिरेशन भी मैं तो लाइव लेती हूँ, मतलब जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि जैसे मैरी कॉम दीदी हैं, तो कि उन्होंने ये स्ट्रगल किया, उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया है। हाँ उनका बहुत है मैम, उनके लिए तो हम बोले जितना कम है, लेकिन मैं उस पर यकीन करती हूँ जो मेरे आंखों के सामने कर रहा है, जो मेरे आंखों के सामने स्ट्रगल हो रहा है। और हालांकि मैम अभी तो वेल सेटल्ड है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल देखा है और मेरे बेसिक कोच ने भी, तो मैं इन तीन से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और हमेशा अगर मैं कहीं भी अगर बॉक्सिंग में यूं थक जाती हूँ कि अब मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर मैं डिसाइड करती हूँ और सोचती हूँ कि हाँ मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच सर ने भी तो करके दिखाया था, तो मैं क्यों रुक जाऊँ। तो ये तीन ही है। So, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हो चुका है एंड हमारा इंडिया का बहुत ही मेमोरेबल गेम्स भी रहे हैं, बॉक्सिंग में भी ब्रॉन्ज आया। आई वुड वांट टू नो, जब शुरुआत हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स की तो क्या उम्मीद थी आपको बॉक्सिंग से ओलंपिक्स में?
जब ओलंपिक्स के लिए कैंप लगा हुआ था तो लवलीना दीदी ने स्पेशली मुझे बुलाया था वहां पर कि मैं चाहती हूँ कि मैं अरुंधति के साथ फाइट वगैरह करूँ ताकि मुझे ओलंपिक्स की तरह थोड़ी फील आए, क्योंकि मेरा शुरू से पावर गेम है तो वो चाहती थी कि उनके साथ पावर गेम का ऐसे लड़की आए। तो ये सब न्यूज़पेपर और इन सब में भी आया, लेकिन उस तरफ लोगों ने कुछ और कहना चालू कर दिया कि भाई इसका तो सिफारिश से नाम जा रहा है ऐसे वैसे। तो ये सब बात हुई, फिर उनको मतलब मैंने इतना था, इतनी स्ट्रांगली उनको वहां पे सारी फाइट्स इतनी टफ दी कि मुझे जो वहाँ के कोच थे वो सब भी ये बोलने लगे कि भाई अरुंधति शायद ओलंपिक की ट्रायल अब होती तो तुम पक्का जाती। बट फिर भी एज की वजह से मैं एक साल छुट्टी थी तो मैंने ये तो मिस कर दिया, बाकी अभी 24 का तो पक्का है। वेरी गुड। सो मींस आपने लवलीना के साथ प्रैक्टिस करी थी, और क्या प्रैक्टिस करते वक्त आपको ऐसा लगा था कि हाँ इनका तो मेडल पक्का है द वे शी वाज फाइटिंग, या फिर आपने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स उनसे ली या दी? मैम मतलब मुझे उन पे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी मेरी दीदी पे तो फिर भी था, क्योंकि जिस तरह मैं उनसे फाइट करती थी तो अगर मेरा कुछ पंच उन पे हार्ट अटैक हो जाता था तो मतलब वो रिंग में कई बार या तो गिर जाते थे या अनबैलेंस्ड हो जाते थे। तो मुझे तो ये था कि काश मुझे भेज दो, मैं जरूर इंडिया को गोल्ड दिला दूंगी। पर फिर अब वापस ट्रायल्स हो नहीं सकती थी, और बॉक्सिंग में तो ओलंपिक के लिए ट्रायल 2019 में ही हो गई थी, हालांकि सारे गेम्स में तो अभी ओलंपिक के एक वीक पहले तक हो रही थी, पर कुछ कर नहीं सकते थे, हाथ में तो था नहीं। फिर अब 24 का है तो उसके लिए तो करेंगे। Absolutely. So basically कह सकते हैं कि लवलीना का जी का जो मेडल आया that was a surprise. Yes, ma'am. For us, कभी-कभी होता है कि you know at the time practices में वो पावर निकल कर नहीं आती, बट एंड में वो जब मेन मोमेंट होता है तब वो आ जाती है। Anyway, एक न्यूज आई थी बॉक्सिंग ओलंपिक्स के टाइम पे कि मैरी कॉम को जर्सी चेंज करने बोला था राइट बिफोर द मैच, क्योंकि शायद सेम जर्सी थी या कलर सेम था या ऐसा कुछ था। क्या इन सब चीजों से क्या ये बहुत छोटी बात है, या फिर एक मेंटल स्पेस बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है अगर एकदम से आपको बोल दे कि नहीं नहीं आप अपनी जर्सी चेंज कर आइए, वो भी राइट बिफोर द बाउट? तो ये सब चीजें क्योंकि आप एक इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, खेलती हैं, तो क्या ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं? मतलब मैम ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हालांकि प्लेयर की लाइफ में ऐसा होता है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारा जो ड्रेस होता है बॉक्सिंग का, हमेशा मैं तो उनको सबसे पहले पहनने के पहले प्रे करती हूँ। तो अगर मुझसे कोई कहे तो हाँ एक बार मेरे दिमाग में भी आएगी कि नहीं अब भी मैंने प्रे किया है इनको, मैंने बहुत मतलब नाम वाम लेके और फिर पहना है। अब मुझे ट्रेनिंग में ये तो मतलब फाइट के पहले जाने से फोकस्ड से पॉइंट से हिला रहे हैं कि भाई यहाँ तो मैं चेंज करना है, जबकि मैं पूरा अपना वार्म अप हो चुकी हूँ। फिर उसके बाद कोई जस्ट 2 मिनट पहले बोले कि हाँ तुम ड्रेस चेंज करो, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है और डिस्टर्ब भी करता है गेम की तरफ। So, क्या तुम्हें लगता है कि उस वक्त मैरी कॉम को भी ये हो सकता है थोड़ा, इवन दो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर हैं, बट स्टिल हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि ये यूजुअली सेम रहता है सभी बॉक्सर्स या एथलीट्स? हुआ तो होगा मैम शायद उन्हें भी, लेकिन वही बात है ना कि एक प्लेयर ऐसा है कि वो हर सिचुएशन में ढल सकता है, और इंसानों की तो मतलब नॉर्मल की तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा है कि उन्हें जैसे में डालो वैसे वो ढल जाता है, जैसे पानी ग्लास में डालोगे तो वैसे हो जाएगा, बाउल में डालोगे वो वैसे हो जाएगा। Absolutely, absolutely, and that is also a good symbol of a great athlete कि you know they can take any shape they are put into. और बहुत सारे एथलीट ऐसे देखते भी हैं कि वो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड मल्टीपल अरीनाज में रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, कभी सोचा कि बॉक्सिंग के अलावा? बिकॉज ऑलरेडी आप बॉक्सिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं एंड 2024 में बेशक आपका सिलेक्शन होगा ही, तो आपको कभी ऐसे सेकंड थॉट आया कि अच्छा ठीक है एक आध स्पोर्ट और खेल लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपका चेंज है? वो नहीं बोलते कि हॉर्स को ऐसे लगा रहता है फिर वो इधर उधर देख नहीं सकता, अभी मतलब पूरा वैसा सीन है कि अभी तो मतलब जब से बॉक्सिंग स्टार्ट करी ना, इसके अलावा कभी ना तो स्टडीज के बारे में ज्यादा सोचा ना किसी और गेम के बारे में, ये था कि हाँ मतलब पता नहीं एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है मैम कि इंडिया को तो गोल्ड ओलंपिक में दिलाना ही है, और आज तक 3 मेडल आए हैं बॉक्सिंग में पर तीनों ब्रॉन्ज ही है, तो मुझे उनका कलर चेंज करना है मैम। और 2024 इन नो टाइम आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये एक साल लेट हुए हैं गेम्स टोक्यो ओलंपिक्स, तो सिर्फ 2.5 साल है आगे और 2.5 से 3 साल एंड बिल्कुल आप गोल्ड लेकर आएंगी। एक इम्पोर्टेंट बात, कोविड का क्या रोल रहा है आपकी प्रैक्टिसेस में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में? क्या इसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आया है आपकी प्रैक्टिसेस में, बाउट्स में, आपके एक्सपोजर में?
मैम मतलब हाँ कॉम्पिटिशन्स हालांकि हमारे हो नहीं पाए क्योंकि कोविड कोविड हर जगह ऐसे कर रखा था, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा गया 2020 ओवरऑल पूरा लॉकडाउन, क्योंकि हमें कैंप से छुट्टी मिली, घर पे आए, सुबह शाम दोनों टाइम इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई, और घर पे रहकर तो डाइट बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि कैंप में रहने के बाद ट्रेनिंग के बाद थकने के बाद मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं खुद कुछ उठा के ले लूँ अपना, तो यहाँ पे मम्मी थी पापा थे ये लोग खुद मुझे बना बना के भी दे रहे थे, और दोनों टाइम पूरी ट्रेनिंग चल रही थी, और इतना हार्ड वर्क शायद मैंने पिछले 4 साल में किया भी नहीं हो जितना इसमें किया था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ हमारे 2021 में अप्रैल में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और मेरा एशियन में मैम ब्रॉन्ज था 2019 में, तो उस टाइम मुझे बहुत खटक गया था ये कि हाँ मेरा फ्लैग 3rd नंबर पे है, और मैं वहाँ पोडियम पे मैम हाथ रख के कसम खाई थी कि हाँ मुझे कलर चेंज करना है मेडल का भी, और साथ में भी अपने फ्लैग को 1st नंबर पे लाना है, तो उसके लिए बस हमेशा, और मैं जहाँ ट्रेनिंग करती थी वहाँ भी बड़ा बड़ा लिख दिया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और ये सब, तो हॉल में जाते वो दिख जाता, फिर अपना मेंटली सेट हो जाता कि हाँ भाई अभी कुछ नहीं अभी ट्रेनिंग करनी है। Absolutely. So, ये basically एक ट्रिक होती है आपके दिमाग को मोटिवेटेड रखने की कि कैसे आप आगे बढ़े इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिनेरियोस। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इनिशियली कहा कि अगर खेलना है तो इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलो, टीम स्पोर्ट में इतना सपोर्ट नहीं था, पर अगर देखा जाए जैसे क्रिकेट हुआ या प्रो कबड्डी लीग हुआ, ये सब टीम स्पोर्ट्स हैं और फ्रेंचाइज के इन्वॉल्वमेंट से जैसे प्रो कबड्डी हो गया या आईपीएल हो गया, उनकी वजह से इनका नाम फेम प्लस एक एक्सपोजर लेवल हैज इंक्रीज टू 10-fold में भी राइट 10 गुना बढ़ गया है इसका। तो कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा कोई स्पोर्ट हो जिसमें फ्रेंचाइज इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट विमेंस क्रिकेट भी फ्रेंचाइज खेलने लग गई है, तो ये चीज दिमाग में नहीं आई कि शायद करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही रहे? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने पापा को पूछा भी, मैं कहा आप मुझे रीजन तो दो कि मुझे टीम गेम क्यों छोड़ना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने मेरे सारे मैचेस की मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई और वो बोले कि अब तुम खुद देखो कि सबसे ज्यादा परफॉर्म कौन कर रहा है, मैं कहा हाँ मैं ही कर रही हूँ क्योंकि टीम के कैप्टन है तो मुझे ज्यादा लोड लेना पड़ेगा, तो पापा बोले कि यही तो गलत है ना कि तुम अकेले परफॉर्म कर रही हो बाकी सब तुम पर डिपेंडेंट है, कि ये बात बहुत रॉन्ग है कि अगर सब मिलकर करेंगे तब बात समझ में आती है। अभी जैसे प्रो कबड्डी की मैम कुछ सीरीज वगैरह आती है तो मैं कभी मूवीज और फोन तो ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे कजन ब्रदर ने मुझे सिखाया तो ये प्राइम वीडियोस पे मैंने उनका देखा, तो मतलब वो सारे एक साथ होके नहीं खेल पा रहे थे, उसमें भी कईयों की लड़ाई हो जा रही थी, कई मैच के पहले डिस्टर्ब थे, और एक साथ होके जब जब वो नहीं खेले जब जब वो हारे, तो हाँ एक पल तो ठीक है कि मैं बॉक्सिंग में हूँ तो मैं अपना खुद का दम दिखा सकती हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है इसमें। और आपको लगता है कि अगर फ्रेंचाइज इन्वॉल्वमेंट बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी आ जाए तो ये भी बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक फ्रेंचाइज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? तो यू वुड वांट टू सी फ्रेंचाइजेस इन्वेस्टिंग इन बॉक्सिंग एंड रेसलिंग एज वेल, क्योंकि एक होता है ना कि एक मनोबल बढ़ता है एथलीट्स का जब फ्रेंचाइज आ जाती है, कॉर्पोरेट्स इंटरेस्ट लेने लगते हैं, लोगों की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? नहीं तो सिर्फ लोग मे बी ओलंपिक्स को ज्यादा देखते हैं पर उससे पहले वाले गेम्स इतने नहीं देखते, राइट? ऐसा था, मैं इंडिया आई मैम वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद, तो मेरे सारे फ्रेंड्स कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने तो सब अचीव कर लिया, मैं कहा सब नहीं अभी तो ओलंपिक्स है, कि क्यों तो वर्ल्ड चैंपियन बन गया अभी ओलंपिक्स क्या है, मतलब ऐसा था उन लोगों को कॉम्पिटिशन के नाम भी नहीं पता। इंडिया में आज भी ऐसा है कि ये लोग कॉम्पिटिशन नहीं समझते कि अभी क्या है किस लेवल पे, अभी बाहर बहुत ऐसे जानकारी है सब लोगों, कॉमन लोगों को भी सबको पता है कि हाँ कौन सा कॉम्पिटिशन किस लेवल का है। Absolutely, absolutely. अब एक हमारा सेगमेंट है रेस टू गोल करके, जो कि एक रैपिड फायर राउंड है। मैं आपसे कुछ 4-5 सवाल पूछूंगी जिनके आपको ऑनेस्ट और क्विक आंसर्स देने हैं, ऑलराइट? फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ, स्वीटी बोरा और पूजा रानी में से अगर आपको किसी के एक के साथ फाइट करनी हो तो किन के साथ करेंगी? दोनों आपकी कैटेगरी से बाहर हैं मैं जानती हूँ, बट फिर भी पूजा दीदी के साथ। ओके, एंड आपकी बॉक्सिंग फ्रेंचाइज में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बॉक्सिंग का मैम एक है मेरे पास, एक सर्विसेज से है विजय सिंह, हालांकि वो मेरे जूनियर है लेकिन वो मुझे हमेशा बॉक्सिंग के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो वही है अभी तो। एब्सोल्युटली। अगर आपको मौका मिले एक दिन के लिए मैरी कॉम बनने का तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैम मैं जितनी भी मतलब कहीं स्टेट है पुअर स्टेट जहाँ पे गर्ल्स के लिए अकेडमी नहीं है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी नहीं है, तो मैं गर्ल्स के लिए बॉक्सिंग अकेडमी बनवा के उनके लिए तैयार करवाऊंगी।
एब्सोल्युटली ग्रेट थॉट. एंड ये तो आई थिंक आप भी कर सकती हैं जस्ट फ्यू इयर्स. जैसे ही आई थिंक मैरी कॉम आपसे बहुत बड़ी है और उन्होंने अब इतना नाम कमाया है इन लास्ट फ्यू इयर्स, आपके पास तो बहुत टाइम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू. आपका फेवरेट पास टाइम क्या है जब आप बॉक्सिंग नहीं कर रही होती है, तब क्या करती है? मैम मुझे वैसे तो ड्राइंग का भी बहुत शौक है, डांस आता नहीं है लेकिन अकेले में करना बहुत अच्छा लगता है. Okay. एक चीज जो आपको कोविड ने सिखाई हो इस कोविड ने. मैम मतलब कोविड का तो ऐसा ही था कि जितना हम अपने आप के लिए, कई बार ऐसा होता है कि मतलब मेरा नेचर तो ऐसा ही है मैम कि पहले कोई दूसरे की सोचो फिर खुद की सोचो, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि नहीं फर्स्ट खुद की सोचना चाहिए, फिर जब खुद का सब सही होगा फिर ही तो हम किसी दूसरे का कर सकते हैं सही. एब्सोल्युटली बिल्कुल सही सोचा है, पहले खुद को सेफ रखो एंड फिर ही आप कम्युनिटी को सेफ रख सकते हैं. दैट वाज द मैसेज ऑफ कोविड-19. एब्सोल्युटली अल्टीमेट गोल, आई नो आपको अभी 2024 में ओलंपिक जाना है, बट एक अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अभी तो करंट में मैम ऐसा है कि एशियन चैंपियनशिप है अंडर 22 अक्टूबर में, और उसके बाद शायद हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है. तो एशियन चैंपियनशिप तो हालांकि मुझे हो जाएगा, मिल जाएगा, मुझे इतना पूरा भरोसा है, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुझे ज्यादा स्ट्रगल और थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे लवलीना दीदी भी ट्रायल देंगे और अभी वो 24 के हैं तो शायद वो एशियन चैंपियनशिप तो नहीं खेलेंगे, बाकी वर्ल्ड के लिए मुझे और ज्यादा करना पड़ेगा. तो अभी तो अल्टीमेट तो वही है मेरा. ओके लास्ट क्वेश्चन, इंडियन बॉक्सिंग फ्रेंचाइज में आपकी कैटेगरी में आप अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन किनको मानती हैं? अभी तो मैम लवलीना दीदी हैं, मतलब वो मेरी कैटेगरी के ही हैं, मेरे वेट कैटेगरी के, तो उनका करंट में ब्रोंज मेडल भी है. और ना मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इंडिया आज भी मैम जो एक बार प्रूव कर देता है उसी को सपोर्ट करता है, पीछे किसी का टैलेंट नहीं देखता. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी फाइट होगी मैम कि उनसे मुझे जीतना है वहां पर. एब्सोल्युटली ऑल द बेस्ट फॉर दैट. एक लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है हमारी सीरीज का. अदर देन बॉक्सिंग आप कोई स्पोर्ट, आई नो जब आपको बॉक्सिंग लेने का आपने सोचा, आपने अपने व्यक्तित्व को पहचाना और फिर आपने बॉक्सिंग लेने का सोचा, बट अदर देन दैट अगर ये नहीं होता तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैम मैं इंजीनियरिंग कर रही होती फैमिली की वजह से, मतलब पापा सपोर्ट करते हैं. हाँ और स्टडीज भी ठीक थी मेरी उस टाइम पे, मैथ्स अच्छी थी, मतलब 9th में भी मैंने कुछ 90 में से 83-84 कुछ स्कोर किया था विद गेम. तो उनको तो मुझ पर और ज्यादा यकीन हो गया, उन्होंने मुझे चढ़ा दिया कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम बॉक्सिंग तो छोड़ो इंजीनियरिंग करो ऐसा वैसा. मैं कहा जरूरी नहीं है, मैं कहा इस बार नंबर आ गया, मैं कहा हर बार आने चाहिए ना, मैं कहा मुझे जो करना है मुझे करने दो. तो प्रेशर तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन हाँ मैं इंजीनियरिंग ही कर रही थी मैम अगर बॉक्सिंग. ये बात सही है क्योंकि यूजुअली बिकॉज ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इन गेम्स, क्योंकि मेहनत तो देखो वहां पे भी लगती है और यहां पे तो और भी ज्यादा लगती है बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ यू नीड इन योर बॉडी. सो मेहनत आई थिंक किसी भी फील्ड में करी जाए वहां पे आई थिंक फ्रूट्स बेयर करती ही है हार्ड वर्क. थैंक यू सो मच अरुंधति, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करकर. ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ओलंपिक्स एंड ऑल द मेजर फाइट्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप. वी आर श्योर कि आप कुछ ना कुछ मेडल लेकर ही आएंगी. And if not, even though I think you will always try for the best, right? And thank you so much for talking to us. Thank you, ma'am.